आज की बड़ी खबर, कांग्रेस राज में आए दिन आतंकी हमले होते थे और पीएम मौनी बाबा चुप रहते थे। तेलंगाना में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। शाह ने कहा कि कांग्रेस राज में देश की आतंरिक सुरक्षा बहुत खराब थी। उन्होंने कहा, देश में आए दिन पाकिस्तान की तरफ से कहीं ना कहीं आतंकवादी हमला होता था और हमारे देश के प्रधानमंत्री मौनी बाबा चुप रहते थे। मोदी राज में देश की आतंरिक सुरक्षा बहुत अच्छी है। आज पाकिस्तान देश में हमले के बारे में सोच भी नहीं सकता। आज की दूसरी बड़ी खबर देखने के लिए लेफ्ट वाली वीडियो पर क्लिक करें।